भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में नोएडा डायलॉग के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर को विश्व का श्रेष्ठ शहर बनाने के लिए गत 15 फरवरी को नोएडा के रेडिसन होटल में विजन 2030 का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने नोएडा को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के माध्यम से शहर को विश्व मानचित्र पर लाने हेतु अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का आगमन हुआ, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने श्री गोपाल अग्रवाल जी को आशीर्वाद स्वरूप माला पहनाई एवं आयोजकों द्वारा पूज्य स्वामी जी महाराज को अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में 2 मिनट का मौन रखकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वह पूज्य स्वामी जी महाराज ने केंद्र सरकार से कठोर कदम उठाने का आह्वान किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के समापन दिवस पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने विचार रखे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम शांति शांति शांति। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सन्यासी होने से पहले मैं भारत का नागरिक हूँ, और इसलिए सन्यास धर्म में हम वेद को आदर्श मानते हैं। वेद की आज्ञा, वेद का विधान, वो हमारे जीवन का संविधान है। सन्यास धर्म के लिए मेरे लिए वेद प्रमाण है, और देश के लिए मेरा संविधान मेरा प्रमाण है। इसलिए मेरा धार्मिक आध्यात्मिक जीवन वेद के अनुसार चलेगा, लेकिन देश संविधान के अनुसार चलेगा। और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर जब कोई बात आती है तो सब कामों से पहले मेरा देश है। इसलिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता, और राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना वो हम सब का सामूहिक उत्तरदायित्व है। जिस तरह से हमारे 44 CRPF के जवानों की शहादत हुई, और रोज कहीं ना कहीं भारत जैसे महान शक्तिशाली देश को तोड़ने की साजिशें रची जाती हैं, तो अब देश को एकजुट होकर के मोदी जी को ये कह देना चाहिए कि भाई हाफिज सईद और अजहर मसूद, अब ये दो लोग तो कम से कम जिंदा नहीं बचने चाहिए। उसके लिए हम जो भी रणनीति कूटनीति अपनाएं, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। और पाक अधिकृत कश्मीर में जितने भी आतंकवादी शिविर चल रहे हैं उनको ध्वस्त करने के लिए जो भी रणनीति बननी चाहिए कि एक भी आतंकवादी शिविर अब पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं चलना चाहिए। जब तक एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत एक्शन नहीं करता है, हम खाली इस बात से डर करके बैठे रहते हैं कि जंग छिड़ जाएगी। कल पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, वो छोड़ देगा। परमाणु बम छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, उससे तो धरती पर पड़ा आ जाएगी। क्योंकि परमाणु बम खाली पाकिस्तान के पास में नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास हैं, और इस धरती को 400-500 बार नष्ट किया जा सके, इतना परमाणुओं का जखीरा पूरी दुनिया में भरा पड़ा है। लेकिन इसके कारण से हम अपने आत्मसुरक्षा को तिलांजलि नहीं दे सकते।
इजराइल जैसा देश जिसकी 85 लाख की कुल आबादी है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा रहता है, दुश्मन को खोज खोज के चाहे 10, 20, 30, 50 साल भी क्यों ना लगे, एक भी दुश्मन उसने अपना छोड़ा नहीं है। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं कि देश के अंदर और देश की सीमाओं के बाहर कोई भी जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश से रचता है, वो आतंकवादी चाहे देश की सीमाओं के बाहर से आया है और देश के अंदर किसी ने पनाह ले रखी हो, एक भी आतंकवादी हिंदुस्तान में शेष नहीं रहना चाहिए, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बात देश की है, और देश रहेगा तो उत्तर प्रदेश भी रहेगा और नोएडा रहेगा, हम रहेंगे। यहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की है, आगे हम सब लोगों का एक सपना होता है। बच्चा जब पढ़ाई करता है तो सोचता है मैं क्लास में फर्स्ट रहूं, चाहे फिजिकल फिटनेस की बात हो, चाहे नॉलेज की बात हो, वो गेम्स की बात हो, जो भी एक्टिविटी हो मैं उसमें अग्रणी पंक्ति में रहूं, ये मानवीय संवेदना है। व्यक्ति की मूलभूत मांग यह होती है कि वो जहाँ पर भी होता है, जिस भी चेतना के धरातल पर होता है, वहाँ वो सर्वप्रथम रहना चाहता है, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में अपने आप को देखना चाहता है। जैसे ही पढ़ाई पूरी होने के बाद में उसका करियर स्टार्ट होता है, चाहे वो हेल्थ में, एजुकेशन में है, सोशल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, किसी भी फील्ड में वो जाता है, वहाँ पर भी वो कोशिश करता है मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँ। जैसे जैसे उसका सामर्थ्य बढ़ता जाता है, उसका योगदान बढ़ता जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, तो उसको हौसला मिलता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अंततः पूरी दुनिया के लिए मैं क्या बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इस लेवल पर व्यक्ति पहुँचता है। आज आप सब लोग जो नोएडा के प्रबुद्ध जन हैं, इस मंथन के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि हमारा नोएडा दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में कैसे विकसित हो, इस सपना, इस संकल्प को अपने हृदय में संजो करके भाई गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने एक चिंतन आपके सामने रखा है। और खाली एक विजन डॉक्यूमेंट ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, जब तक हम किसी भी संदर्भ में गहरा मंथन नहीं करते और मंथन करने के बाद किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक उसको नहीं पहुंचाते हैं, उसको जमीनी धरातल पर नहीं उतारते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस ये तो अंतिम सत्य है, किसी भी फील्ड की बात हो, चाहे वो सोशल फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे हेल्थ एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, कहीं पर भी जो है आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उसी से आपका परसेप्शन बनता है और उसी से आपका कंट्रीब्यूशन तय होता है कि आपने क्या किया। बातें बहुत अच्छी होनी चाहिए और बात खराब ना तो सोचनी चाहिए, ना खराब भावना आनी चाहिए, क्योंकि बुरे विचार, बुरी भावना और बुरे कर्म, इन्हीं से तो दुख है संसार में। लेकिन अंतिम चीज होती है, वो होती है हिंदी भाषा में बोलें तो आचरण, अंग्रेजी में बोलें तो एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस। तो यहाँ भाई गोपाल जी ने जैसे कहा कि एक हम विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं नोएडा के लिए, आने वाले 10-11 वर्षों में उसको किस शिखर पर पहुंचना है। तो प्रथम तो मैं लगभग 30 सालों की भाई गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की यह जो एक सेवा भावना के साथ जो संघर्ष का जो उनका संकल्प है कि मैं कुछ सृजन करूं, उसके लिए एक बार सभी की ओर से भाई गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि एक सोच है कि मैं अपने लिए ना जीऊँ, मैं अपने नोएडा के
के लिए बेटर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और गोपाल जी के साथ साथ उनकी सहधर्मिणी सविता जी, मैं उनको भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब तक परिवार से उसको समर्थन ना मिले, सपोर्ट ना मिले, तब तक किसी बड़े मुहिम को वो आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं 7 दिनों तक इस परिवार में रहा हूँ, जब 2007 में यहाँ भारत विकास परिषद के द्वारा नोएडा का बहुत बड़ा कैंप हुआ था और शायद कोई यहाँ का विशिष्ट जन बाकी नहीं था, हजारों हजारों लोगों की, 25-25, 50-50 हज़ार लोगों की उपस्थिति के साथ 7 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम चले। सुबह का शिविर, शाम को महिलाओं के लिए भी शिविर, और जो सुबह ना आ सकते थे उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी, और फिर अलग अलग बौद्धिक वर्गों में। बहुत एक यादगार वो शिविर था आज से 12 वर्ष पहले का। और निरंतर एक संकल्प भाई गोपाल जी अपने हृदय में सजोके कि सब मिल करके हमारे सपनों का नोएडा कैसे बने, और नोएडा में जो हम सब चाहते हैं वो ज़मीन पर कैसे घटित हो। कुछ मूलभूत बातें तो सभी सोचते ही हैं कि हमारे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो। हम जब दुनिया में जाते हैं, यूरोप को देखते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, अभी मैं साउथ कोरिया जा कर के आया, माने भारत से वो एक तरह से 500 साल पीछे था वो देश आज से मात्र 50 वर्ष पहले। कोई सोशल लीडरशिप नहीं थी, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी, हेल्थ एजुकेशन का बुरा हाल था। आप सोचो, जिस देश का कोई बहुत गौरवशाली इतिहास, कोई बहुत बड़ी सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, जहाँ पर कोई ढांचा ना हो जिस देश में, उस देश को खड़ा करना कितना मुश्किल काम होता है। आज से 70-75 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की सेनाएं उसको घेर लेती हैं और दूसरी तरफ से चीन की सेनाएं घेर लेती हैं। एक तरफ से कैपिटलिस्टों का हमला है और दूसरी तरफ से ये कम्युनिस्टों का आक्रमण है। जिधर से कम्युनिस्टों का आक्रमण रहा, वो आज भी नॉर्थ कोरिया वो एक कम्युनिस्ट स्टेट हो गया है। वो उधर घुस गए थे और इधर से अमेरिकन घुस गए, तो विचार का कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक कम्युनिस्ट विचार था, उसकी उत्पत्ति उत्तर कोरिया है, और इधर से कैपिटलिस्ट सोच घुसी थी विकास की, समृद्धि की। मैं पूंजीवाद को या सामंतवाद को किसी भी प्रकार के कोलोनाइजेशन को अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन वो जिस गरीबी के हालात में था, आज वो दी समृद्धि के आरोहण चढ़ रहा है, तो उसके पीछे एक सोच थी। उस सोच ने साउथ कोरिया को एक ऊंचाई पर ला करके खड़ा कर दिया। आज चाहे सोनी से लेकर के हुंडई से लेकर के कितने बड़े बड़े ब्रांड पूरी दुनिया में उसने खड़े कर दिए। जिस देश के अंदर एक राजमार्ग नहीं था, एक ठीक सी सड़क नहीं थी, जिस देश का करीब 80% एरिया पहाड़ी क्षेत्र था, वो देश कहाँ शिखर आरोहण पा लिया। हम जापान को देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह ध्वस्त हो गया जो जापान, और हमारे साथ करीब करीब उसने अपनी विकास की यात्रा दोबारा से शुरू की। चीन, वह भी भारत के साथ ही विकास के पथ पर आगे बढ़ा। हम इस यात्रा में समय काल की दृष्टि से समान धर्मा हैं। हम ये जब कोरिया से अपनी तुलना करते हैं, जापान से अपनी तुलना करते हैं, चीन से अपनी तुलना करते हैं, और छोटे छोटे कितने देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर एक तरह से कैदियों को रखा जाता था, अंग्रेजों की सुरक्षित कैद थी वो, चारों तरफ समुद्र था, जो भी
अंग्रेज़ों की हुकूमत, क्योंकि पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा देशों में फैली हुई थी, जो भी क्राइम करता था उसको ले जाकर ऑस्ट्रेलिया में डाल देता, जिसको चोर लुटेरे और डाकुओं की शरणस्थली बोला जाता, तो वो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पहुँच जाता है? खाली एक संकल्प के बल पर। सिंगापुर को देखिए, कैसे उसने अपने आप को आगे बढ़ाया। किसी भी देश को देखिए, सतत एक विकास के पथ पर सामूहिकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है, सामूहिक संकल्प। मैं व्यक्तिगत संकल्प को बहुत महत्व देता हूं। व्यक्तिगत संकल्प का परिणाम है अब्दुल कलाम, कि एक मछुआरे का बेटा, देश का मिसाइल मैन और अंततः एक सम्मानित राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति होना भी मैं बहुत बड़े गौरव की बात नहीं मानता, एक आदर्श राष्ट्रपति होना, एक आइडियल प्रेसिडेंट होना, वो बड़ी बात है, जिसको लोग गौरव से, श्रद्धापूर्वक, आदर के साथ याद करें, उसको अपना आइकॉन माने। ऐसा एक साधारण गरीब परिवार में, चाय बेचने वाले परिवार में पैदा होकर के अपने संकल्प के बल पर एक देश का पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, नरेंद्र मोदी। एक सामान्य पहाड़ की झोपड़ियों में पैदा हुआ व्यक्ति देश के सबसे बड़े सूबे का, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य का एक मुख्यमंत्री हो सकता है। ये व्यक्तिगत संकल्पों का परिणाम है। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने अक्सर कि मेरे कितने लोगों का अकाउंट मेरे पास में आ जाए, मेरी वेल्थ कैसे बढ़ जाए, खाली इतने सोचने में मस्त रहता है, उससे आगे निकल करके कि मेरा प्रोफेशन से ज़्यादा मेरे लिए देश मेरा एक मिशन है, और मैं पूरे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उतना यदि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, तो मैं इतना तो मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मेरा नोएडा दुनिया का सबसे अच्छा शहर बने, ये सोचता है। ये व्यक्तिगत संकल्प है गोपाल कृष्ण का अग्रवाल, ये एक व्यक्तिगत संकल्प है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ तो एक व्यक्तिगत संकल्प के कारण से, कि मेरा एक संकल्प था कि मुझे महर्षि दयानंद के पदचिन्हों पर चल करके, जैसे उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, मुझे व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्रों का, आयुर्वेद शास्त्र का, मुझे अपने ऋषियों की ज्ञान परंपरा का अध्ययन करके, और मुझे अपने देश के लिए जीना है। ये व्यक्तिगत संकल्पों का बल होता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत संकल्प व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं, लेकिन देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक सामूहिक संकल्प ना हो। इसलिए ऋग्वेद का जो अंतिम उपदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजाना न उपासते समानो मंत्र, माने एक मंत्र, एक विचार, एक संकल्प। एक संगठित रूप से जब हम आगे नहीं बढ़ते तब तक बड़ा कार्य संपादित नहीं हो सकता। अब जैसे आज हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत से लोग तो हमको सुबह से शाम तक इसी बात के लिए कोसते रहते हैं कि स्वामी रामदेव सन्यासी होकर के इतना कर्म क्यों करता है, पुरुषार्थ मेहनत क्यों करता है, सन्यासी को तो कर्म करने ही नहीं चाहिए, वो तो निवृत्ति मार्ग वाला होता है, ये प्रवृत्ति क्यों करता है? अब बताओ, इस बात से मुझे ताने सुनते सुनते 25 साल बीत गए, और शायद मैं जब तक जीऊँगा तब तक कुछ लोग मुझे यही सुनाते रहेंगे कि स्वामी रामदेव कर्म क्यों कर रहा है, पुरुषार्थ क्यों कर रहा है, मेहनत क्यों कर रहा है। संस्कृत में इसको प्रवृत्ति कहते हैं, कि तो निवृत्ति का मार्ग है सन्यास, प्रवृत्ति क्यों कर रहा है? अच्छा, जो लोग परिभाषाएं बताते रहते हैं उन्होंने शास्त्रों का खखा नहीं पता, जीवन में कुछ नहीं किया होता है, खाली बात छोंकते रहते हैं। और नकारात्मकता फैलाना, नेगेटिव बातें करना सबसे आसान काम है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, ये गोपाल कृष्ण अग्रवाल को क्या कीड़ा लगा है, इसको क्या पड़ी है नोएडा की, नोएडा को संभालने के लिए तो बहुत लोग, ऐसे भी सोचने वालों की कमी नहीं होगी। माने आप कोई भी सृजनशीलता के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ेंगे तो एक बात तो मान लेनी चाहिए, कम से कम भारत में अभी मुझे नहीं लगता कि 20-25 सालों तक सामूहिक परिवर्तन होने वाला है। उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा हमको, लेकिन जो भी इस देश के लिए काम करे, चाहे अपने जिले के लिए कर ले, चाहे प्रदेश के लिए कर ले, या देश के लिए, सबसे पहले तो उसको एक बात ये तय कर लेनी चाहिए कि सिर
मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को भी पहले तो इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि नोएडा बनाने से पहले तेरी धुनाई खूब अच्छी होगी, कि इसको ही क्या पागलपन चढ़ा है कि नोएडा मुझे बहुत अच्छा बनाना है। तो आपको अच्छे लोग सपोर्ट भी करेंगे, ये बात मैं मानता हूँ। मुझे करोड़ों लोगों ने सपोर्ट किया है, जो निंदक हैं वो हजारों में हैं, कोई परवाह नहीं उसकी। लेकिन आपको सबसे पहले हिंदुस्तान में बड़ा काम करने के लिए गाली प्रूफ होना पड़ता है, गोली प्रूफ बोलते हैं ना, बुलेट प्रूफ होता है, तो ऐसे आपको गाली प्रूफ होना पड़ता है कि कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे अपना कर्तव्य, मुझे अपना उत्तरदायित्व, जो मैंने तय किया है अपना संकल्प, उस जिम्मेदारी से मुझे पीछे नहीं हटना, एक बात। फिर अब मैं सामूहिक संकल्प की बात कर रहा हूँ। सब लोग ये सोच लें कि मुझे गंदगी नहीं फैलाने। पिछले 2 महीने से करीब 4-5 करोड़ लोगों का कुंभ जो प्रयागराज में चल रहा था, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैंने दुनिया देखी है, लेकिन पहली बार कुंभ देखा है जिसमें एक कागज़ का टुकड़ा मुझे कहीं पर सड़क पर मिला। तो दो चीज़ें वहाँ हुई, एक तो सामूहिक संकल्प ये कि भाई हमको, जैसे मैंने देखा कोई आदमी वहाँ कचरा नहीं फेंक रहा था, चारों तरफ जो है बीच में वो लोहे की प्लेटें पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं क्योंकि रेत है, दोनों तरफ सड़क के झाड़ू लगी हुई है, और वो झाड़ू लगाने वाले सफाई करने वाले सफाई कर जाते थे। माने हिंदुस्तान में पहली बार सामूहिक स्थान पर, पतंजलि में हमने ऐसा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन सार्वजनिक स्थान है जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं, वहाँ पर पहली बार मैंने देखा कोई आदमी कचरा नहीं फेंक रहा है। भाई मोदी जी के स्वच्छता अभियान का पूरे देश में असर हुआ हो या ना हुआ, वो कुंभ में असर पूरा हुआ, माने बाकी देश में भी हुआ, आंशिक रूप से हुआ, उसके लिए तैयारी भी की। लेकिन 125,000 टॉयलेट बनाए गए, ये बहुत बड़ी घटना थी, हजारों लोग उसके लिए रखे गए, लेकिन लोग कचरा नहीं फेंक रहे थे, ये मैंने देखा। दुकानदारों के यहाँ पर भी जो भी थोड़ा बहुत कचरा निकलता है, कोई गन्ने का जूस भी निकाल रहा था वहाँ, कोई बिस्किट भी बेच रहा था वहाँ, कुछ लोग वह भुट्टे भी बेच रहे थे, मूंगफली भी बेच रहे थे, लेकिन कचरा इकट्ठा कर रहे थे खुद। ऐसे ही नोएडा की सड़कों पर हम, एक तरफ वेस्ट मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, एक तरफ वेस्ट मैनेजमेंट हो और दूसरी तरफ जितने भी हमारे यहाँ पर मीडिया वाले बैठे हैं, खास करके प्रिंट मीडिया, क्योंकि नेशनल मीडिया तो सारा है ही नोएडा के अंदर, सारे नेशनल मीडिया एक दो चैनलों को छोड़ करके सारे चैनल नोएडा के अंदर हैं, लेकिन वो नोएडा की खबर को राष्ट्रीय खबर में नहीं दिखा सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार दिखाएंगे, जब पूरा नोएडा साफ हो गया तो वो एक बार स्टोरी बना सकते हैं, आधे घंटे की हेडलाइन चला सकते हैं, ब्रेकिंग चला सकते हैं कि नोएडा देश का सबसे स्वच्छ शहर हो गया है। लेकिन ये मुहिम चलाने का काम तो प्रिंट मीडिया का है, तो प्रिंट मीडिया के साथ आप लोगों को टाई अप करना पड़ेगा कि भाई हम अपने नोएडा को सबसे स्वच्छ बनाएंगे। उसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमको, अब यहाँ बड़े जिम्मेदार लोग हैं और गोपाल जी ने भी कहा कि हम अथॉरिटीज से के पास में अपना विजन भी लेके जाएंगे और उनसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो इसमें कुछ लोगों को पहल करनी पड़ेगी, कुछ इसमें कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, कुछ सरकार का बजट भी होगा, कुछ लोगों को भी यदि कंट्रीब्यूट करना पड़े तो हमें ग्रीन वेस्ट को अलग से खेतों के लिए खाद के रूप में उपयोग करना पड़ेगा, जो पोलोथीन और बाकी हार्ड वेस्ट है, मेटल्स हैं, उनको अलग से हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो एक ये व्यवस्था हम बना दें तो दिल्ली के साथ ये जो शहर है, ये पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल, एक आइकॉन की भूमिका निभा सकता है स्वच्छता में। एक तरफ हम इस तरह की व्यवस्था करें कि हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम डेवलप कर दिया है, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, हिंदुस्तान जितने कचरे के पहाड़ मैंने कहीं नहीं देखे। हम जहाँ पैदा हुए वहाँ एक छोटी सी डोंगरी थी, पहाड़ छोटा सा था, उसको हम सोचते थे ये पहाड़ होगा, लेकिन मैंने जब दिल्ली में आकर के देखा, यहाँ तो
सैकड़ों फीट ऊंचे कचरे के पहाड़ हैं। जैसे ही दिल्ली में घुसते हैं हरिद्वार की तरफ से, उसमें चारों तरफ एक तो हजारों पंछी ऊपर घूम रहे, तो पहले तो मुझे अच्छा लगा, कितना अच्छा दृश्य है, देखो आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, नीचे की तरफ देखा तो धरती खिसक गई कि यहाँ ये पंछी कोई विहार करने के लिए नहीं आए हैं, ये आहार करने के लिए आए हैं। वहाँ इतना मांस के लौथड़े पड़े रहते हैं उनको खाने के लिए सारे पंछी। और फिर दृष्टि जाती है तो माने कम से कम 50 गाड़ियाँ उसमें चढ़ सकती है, इतना हाईवे बना हुआ है वहाँ पर, जो पहाड़ बना रखा है कचरे का, उसके आस पड़ोस में लोग रहते हैं। मुझे लगता है उनको टीबी से लेकर के, कैंसर से लेकर के, जितने भी बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं वो सब होने की संभावना है। उस कचरे के चारों तरफ लाखों लोग रहते हैं। ये इधर देखा, पहले करनाल बाईपास की तरफ जाते थे तो एक कचरा तो पहाड़ तो ढक दिया, फिर दूसरा पहाड़ बन गया। अभी पहाड़ों हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जैसा होता है दुनिया में कहीं नहीं होता। माने कचरा इकट्ठा करके पहाड़ बनाओ, ये मानव निर्मित कचरे के पहाड़ और वेस्ट मैनेजमेंट का, ये आने वाले, अब इसके बारे में कोई सोचे तो इसे वोट तो नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने शुरू में बोला था, मोदी जी 100 से बड़ी जो योजनाएं शुरू कर रहे हैं उसमें से 99% योजनाएं देश बनाने वाली योजनाएं हैं, वोट बैंक वाली योजनाएं नहीं है। अभी वही लोग प्रश्न कर रहे हैं मोदी जी ने क्या किया। अरे मोदी जी ने तो इतने बड़े काम कर दिए कि उस विजन के ऊपर ये देश चलता है तो आने वाले 2040-50 तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होगा। तो आने वाले 25-50 सालों का सोच करके वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और जो भी आगे सरकारें बनेंगी, मोदी जी ने जो 100 से ज्यादा बड़ी योजनाएं शुरू की उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी कहते हैं मोदी जी 2019 से आगे की बात क्यों करते हैं, मोदी जी यदि 2022 की 2025 की बात करें तो बोले पागल हो गया क्या, तो 2025 की 2030 की बात कैसे कर सकता है। माने इस देश में 5 साल से आगे का सोचना मानो गुनाह है क्या, जैसे कोई पॉलिटिकल क्राइम कर दिया वो मोदी जी ने, कि 5 साल से आगे की बात कैसे कर सकते हो तुम 5 साल के लिए चुने गए हो। अरे मैं 5 साल के लिए चुना गया हूँ, लेकिन मेरे देश के लिए मुझे आने वाले 500 सालों के बारे में सोचना चाहिए, ये प्रत्येक नागरिक के मन में आना चाहिए। अब ऐसे ही मैं फिर नोएडा की बात कर रहा हूँ, सामूहिक संकल्प स्वच्छता के लिए, सामूहिक संकल्प हमारी सड़कों के लिए। हर आदमी अतिक्रमण करना चाहता है, उसको हटाओ तो कहते हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई। अच्छी बात है, पहली बार देश में गडकरी जी के नेतृत्व में जो शहरों के दोनों तरफ जो अतिक्रमण हो रहा था उन रोडों को चौड़ा करने का काम इतिहास में पहली बार हो रहा है, यह अभिनंदन के योग्य है। लेकिन उससे थोड़े दिन के लिए लोगों में नाराजगी जरूर आती है, लेकिन यदि 10-20% लोग नाराज होते हैं तो 80-90% लोगों के लिए एक सुंदर वातावरण वहाँ निर्मित होता है, एक सुंदर शहर निर्मित होता है, एक विजन दिखता है कि हम देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमें अतिक्रमण से बचना होगा, फिर जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ है उसको रोकने के लिए हर आदमी को थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। हर आदमी सोचता है मैं पंगा क्यों लूँ, हमको दिखता है उस पड़ोस में, बोले मैं क्यों पंगा लूँ। तो मुझे लगता है कि एक सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बिल्कुल देसी भाषा में बोलूँ तो थोड़ा थोड़ा पंगेबाज सबको बनना पड़ेगा कि भाई मेरे आस पड़ोस में कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं उसके प्रति थोड़ा पेल लूँगा। जैसे अपने घर में कोई गलत बात होती है, अपने बिजनेस में कोई गलत बात होती है, अपने इंडिविजुअल फैमिली लाइफ के अंदर, अपने किसी भी जिसको जिसका उत्तरदायित्व मुझ पर है उसमें कोई बात आती है तो मैं उसमें पेल लेकर के काम करता हूँ कि नहीं मुझे इसका निराकरण करना है। ऐसे भावना के साथ हमको इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो सुरक्षा की बात है, चाहे वो अपराधियों के संरक्षण की बात है, चाहे यहाँ का माहौल, सिख माहौल की बात होती है कि भाई सार्वजनिक स्थानों पर
हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी देखें तो गंदगी तो नहीं दिखे, साथ में पता लग रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर के लोग सिगरेटों के छल्ले उड़ा रहे हैं। मैंने देखा इधर प्रोफेशनल्स बहुत है, लेकिन देखो वहीं 10-20 लोग खड़े होकर के सिगरेटों के छल्ले उड़ाते नज़र आते हैं। ये नज़ारा कभी 20 वर्ष पहले यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका में दिखा करता था, वहाँ ख़त्म हो गया है। 99% अब वहाँ मैंने सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट का धुआं नहीं देखा अभी। ये पिछले 10 सालों में उन्होंने अपने भीतर परिवर्तन लाया, 10-20 सालों में उन्होंने अपने यहाँ का धुआं ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ नोएडा में मैं देखता हूँ, जहाँ पर भी चाहे वो टीवी चैनल्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, बैठ के बाहर खड़े होकर के 10-20 लड़के लड़कियाँ सिगरेट के छल्ले उड़ाते रहते हैं। ये नज़ारा आप भी देखते होंगे, मैं नोएडा में सबसे ज़्यादा देखता हूँ। तो थोड़ा इसके लिए भी मुहिम चलाओ भाई। तो बोले सिगरेट कहाँ पियेंगे, अब ज़्यादा ही किसी को पीना है तो बाथरूम में जाके पियो, वैसे और गंदगी और थोड़ी फैला है, वो तो पहले बात तो ना पियो। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादातर जो 99% लोग जो सिगरेट के छल्ले उड़ाते हैं, 99% पढ़े लिखे लोग हैं। खैर, फिर यहाँ पर जैसे अमेठी वालों ने और कुछ दूसरे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, तो ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे कि ये हेल्थ सिटी बने, ये एजुकेशन सिटी बने, एजुकेशन का हब बने, हेल्थ का हब बने, यहाँ पर इंडस्ट्री का हब बने। बहुत प्रचुर संभावनाएं हैं यहाँ। अभी पतंजलि भी इधर आ रहा है, कितनी संभावनाएं हैं, औद्योगिक संभावनाएं, शिक्षा चिकित्सा की संभावनाएं, और दुनिया की सबसे अच्छी मंडी हो सकती है यहाँ पर, दुनिया की सबसे अच्छी मंडी हो सकती है, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर मंडी के लिए जगह नहीं बची है। दिल्ली में क्या मंडी है, वो आज़ादपुर मंडी, अब वहाँ जगह ही नहीं बची है। वहाँ ट्रक खड़े हों कि सब्जी और दालें या कुछ भी फल वो उतरे, क्या होगा वहाँ, फलों की, शाक सब्जियों की, अनाज की, और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फूड की सबसे बड़ी मंडी हो सकती है। और उसमें मैं आज ये कोई साधारण बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 10-20 हज़ार करोड़ रुपए का ये एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य यहाँ खड़ा हो सकता है। नोएडा का की आय की भी वृद्धि हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि मुंबई का जो है बजट, वो पूरे देश के किसी भी स्टेट, ज़्यादातर करीब 90% स्टेट के बजट से ज़्यादा बड़ा बजट है। तो नोएडा को हम माने एक तरफ यहाँ पर पूरी एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हब यहाँ पर बना सकते हैं। दुनिया में ऐसे कुछ देशों में ऐसी श्रेष्ठ मंडियाँ बनी हुई हैं, मैं उनका पता भी दे दूंगा गोपाल कृष्ण जी को, उस तरह की कोशिश करें। क्योंकि यदि हम करने लगे तो कहेंगे बाबा जी सब जगह कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, हम काम करें तो बोले कब्जा कर रहे हैं। अरे हक कब्जा हमने अपने बाप की धरती पर नहीं किया, तुम्हारे यहाँ क्या करेंगे हमने। लेकिन एक सोच कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी श्रेष्ठ मंडी हो सकती है, देश की नहीं, और उसमें ऑर्गेनिक से लेकर के शाक सब्जियों से लेकर के फलों से लेकर के इतनी बड़ी संभावना है, औद्योगिक विकास की, शिक्षा चिकित्सा के विकास की जैसे विजन रखा है, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी है, सेफ्टी, सुरक्षा का तो इतना बढ़िया वातावरण, वैसे अभी भी काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी खबरें आ जाती हैं कि जो है दिल्ली में अपराध करके नोएडा के रास्ते से अपराधी निकले। कभी पहले यह आता था नोएडा में शरण ले रखी, अभी कम से कम ये रास्ता बना हुआ है। तो चीज़ों को चाहे पुलिस से लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, जो भी गवर्नेंस का के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी एक सामूहिक जागृति, जहाँ पर सामूहिकता, मैंने कहा ना सामूहिक संकल्प से सामूहिक सृजना, सामूहिक संकल्प से सामूहिक सृजना हो सकता है। तो इसके लिए हमें मुझे लगता है 5-7 साल 10 साल लगातार काम करना पड़ेगा। आज आपने उसको एक बड़ा स्वरूप दिया है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं सोचा गया, पहले सोचा गया, इसलिए नोएडा इस रूप में कम से कम विकसित हुआ, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ बसने वाले शहरों में एक नोएडा है, दूसरा गुड़गांव है, जिसने इस आधुनिक समृद्धि के शिखर आरोहण पाए, छुए, उसमें सामूहिक संकल्प की कमी के कारण से
फरीदाबाद थोड़ा पिछड़ गया, सोनीपत पानीपत उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, बात अब करनाल तक पहुंच रही है, चारों तरफ अब दिल्ली को बढ़ना है। और उसमें इस समय सबसे ज़्यादा अवसर यदि कहीं पर उपलब्ध हैं तो नोएडा है, और उसको आपको सबको सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है। सबसे ज़्यादा अवसर यहाँ उपलब्ध है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक विषय में आप लोग अलग अलग सेशनों में चर्चा करने वाले हैं, मुझे विश्वास है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के, शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के, और खेती को आप ये मत मानना कि नोएडा जो है मैं यहाँ शहरी आबादी ज़्यादा है, गांव भी बहुत हैं, लेकिन नोएडा बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का हब बन सकता है, मंडी से लेकर के और उसके विपणन की व्यवस्था से लेकर के, क्योंकि चारों तरफ जो NCR है उसमें इसमें अप्रतिम और असीमित संभावनाएं हैं। तो इन सभी दिशाओं से नोएडा समुन्नत बने और नोएडा के नागरिकों को ये गौरव हो कि हम दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ शहर के नागरिक हैं, और अंततः पूरे देश को ये गौरव हो। मैंने बार बार कहा है कि मैं एक मजबूत भारत देखना चाहता हूँ, मजबूर भारत नहीं, भारत का नागरिक को अमेरिका का सिटीज़न होने से, ब्रिटेन का सिटीज़न होने से भी ज़्यादा गौरव हो, एक ऐसा भारत हमें आने वाले 20-25 सालों में बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये सामूहिक गौरव का भाव नहीं आएगा देश में, अब जैसे हम लोग कितने ही बड़े हों, चाहे करोड़ों हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे पास बहुत सामर्थ्य भगवान ने दिया, बहुत इज्जत बख्शी है हमको, लेकिन जब हम दुनिया में जाते हैं तो भारत के नागरिक के नाते हमें ट्रीट किया जाता है, और उस समय हमें बहुत पीड़ा होती है कि आज अमेरिका का जो नागरिक है 2-4 देशों को छोड़ करके बिना किसी वीज़ा के पूरी दुनिया घूम आता है, हम लोगों को अपने देश में एक दो जगह दिक्कत होती है जाने में, और छोटे छोटे देश हमको वीज़ा नहीं देते हैं, ये बोलो भारत वाले भूखे नंगे आकर के रह जाएंगे, हमको वीज़ा नहीं मिला था आज से 25 साल पहले, हमसे पूछा गया, बोले आपकी वेल्थ क्या है, मैंने कहा बैंक अकाउंट ही नहीं है, बोले आपकी शादी हुई है, मैंने कहा नहीं, आगे करने का इरादा है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बोले इसकी शादी नहीं हुई है, बैंक अकाउंट है नहीं, ज़मीन, मैंने कहा कोई एक इंच भी नहीं है, तो बोले तो जहाँ जाएगा वहीं बस जाएगा, उनको थोड़ी पता था कि यहाँ जहाँ जाएगा बसेगा नहीं, जहाँ जाएगा वहाँ बसाएगा। वो लोग तो वेल्थ के आधार पर चीज़ों को मापते हैं, हमारी ताकत क्या है। तो हम एक ऐसा ताकतवर भारत बनाएं, उसके लिए बहुत सारी पहल करने का जो आपने मन बनाया है, मैं तो आपको का अभिनंदन करने के लिए, आपको आशीर्वाद, अपनी शुभेच्छाएं देने के लिए, और कि आप एक तरफ यहाँ पर भौतिक आधुनिक समृद्धि का शिखर आरोहण पाएँ, वहीं पर इस देश पूरे नोएडा में एक आध्यात्मिक वातावरण बनाएं। बहुत अच्छी बात कही गोपाल जी ने कि हमें नोएडा को एक बहुत समृद्ध शहर बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ शाम को यहाँ जो कार्यक्रम रखे अंतर यात्रा के, अंतिम गंतव्य तो हम सब का परम शांति है, निर्वाण है और इटर्नल पीस है, उस शाश्वत शांति को, आंतरिक प्रसन्नता को, इटर्नल हैप्पीनेस को पाने के लिए आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हमारा नोएडा ये सबसे आधुनिक, सबसे समृद्ध और सबसे आध्यात्मिक शहर बने, और इसके लिए जो परमात्मा ने हमारे आत्मा में प्रेरणा दी है, ये भगवान का आदेश। मुझे बहुत अच्छा लगा गोपाल जो बोल रहे थे कि हमको भगवान के आदेश के अनुरूप चलना है, तो हर एक आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा होती है कोई भी अच्छी सृजन के लिए, तो हम इस भगवान के आदेश को सिरोधार्य करके कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मेरी कंट्री को, अपने नोएडा को बेटर बनाने के लिए, उसके लिए आप लोग यहाँ बहुत चिंतन मंथन कर रहे हैं, और मैंने लगभग 15 वर्षों से भाई गोपाल जी के जीवन को देखा है और 30 वर्ष से वो नोएडा में यहाँ रह रहे हैं। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि बहुत नेक इरादे के साथ, एक बहुत ऊँचे पवित्र संकल्प के साथ उन्होंने एक 2030 तक हमारा नोएडा कैसा बने और उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे इसको देश यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना सकते हैं, इस संकल्प के साथ यह जो मंथन किया है और इस यह जो एक बड़ी परिणति तक अवश्य पहुंचेगा। मैंने भी गोपाल जी को बोला कि हमारा पतंजलि योगपीठ
और हमारे सारे पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत के हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर, वो भी इस संकल्प में आपके साथ रहेंगे। एक बार पुनः भाई गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप इस कार्य में आप विजयी हों, आप सफल हों और आपका ये संकल्प सिद्धि तक पहुँचे, इस संकल्प के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम।